गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। टुडे इज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी में ही आता, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू डू पर्टिकुलर वर्क। यहाँ एम कर लीजिएगा, ये पी नहीं है, दैट इज नॉट अ पी। एम ई इज इक्वल्स टू के ई प्लस पी ई, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी जो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज। दैट इज द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी इंटरनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इफ द फोर्स डूइंग वर्क, अगर कोई फोर्स वर्क कर रही है ऑन द सिस्टम पर, आर कंजर्व्ड इन नेचर। किसी भी सिस्टम पर कोई सिस्टम है उस पर अगर फोर्स वर्क कर रही है तो वो कंजर्व्ड इन नेचर रहना चाहिए। कैसे? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट क्लियरली, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। अब मैंने बताया था वन डायमेंशनल मोशन में एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और डी डिस्प्लेसमेंट से वो मूव कर रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एफ गेट डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स, बॉक्स यानी फोर्स डेल्टा एक्स टाइम्स डिस्प्लेस करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, है ना। वी कैन से दैट नेट द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वही वर्क एनर्जी थ्योरम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट डेल एक्स, और एफ एक्स डॉट डेल एक्स व्हाट इज दिस? दिस इज अ वर्क डन, दिस इज अ एक्चुअल वर्क डन, है ना। तो कह रहे हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। जो नेट वर्क डन है तो वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, है ना। वेयर डेल्टा के इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा के क्या है यहाँ पर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कंसिडरिंग ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, और हमें ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स लेके चलना है, आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पर एक्ट कर रही है। तो डब्ल्यू नेट यानी वर्क नेट कितना हो जाएगा? डब्ल्यू सी यानी कंजर्वेटिव वर्क डन। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि ऊपर से हमने लिया था। ऑल्सो इफ कंजर्वेटिव फोर्स डू द वर्क इन सिस्टम, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स किसी में सिस्टम में वर्क कर रही है, द सिस्टम लूजेस पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है कि आप सपोज कीजिए कि बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे काम करेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होती जाएगी, हाँ या ना। आप दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते आपकी किसी पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होती जाती है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। अब लूज़ किससे होगी? बाय स्वेटिंग, बाय हम्फिंग, जोर जोर से हाँफना। तो कंजर्वेटिव फोर्स होगी वो कितने होगी? इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? विच इम्प्लाइज दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। क्या होगा? ये आपस में इक्वल होगी, जो मैंने आज बताया था बोर्ड पर, रिमेंस कॉन्स्टेंट। इफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई प्रोसेस कंजर्वेटिव है तो। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर नोटेशन भी है, वेयर
I donates the initial value and F donates final value of the kinetic energy and potential energy. So this is the concept of conservation of mechanical energy, which includes kinetic energy and potential energy. So thank you very much.